अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शियनशा फैमिली। हम आए हैं बुलवार्ड रोड पे, हमें जाना है मकाई पार्क जो कि बहुत ही फेमस बारबेक्यू पॉइंट्स है। वहाँ पे डिफरेंट बारबेक्यूज मिलते हैं, तो चलो देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये हम जा रहे हैं मकाई पार्क की तरफ। ये हम पहुँचे यहाँ पे, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से डल लेक। तो ये है मकाई पार्क। यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल लगे हैं बारबेक्यूज के। यहाँ डिफरेंट तरीके के बारबेक्यूज मिलते हैं, फिश बारबेक्यूज, मटन बारबेक्यूज, बीफ बारबेक्यूज। तो आप देख सकते हैं ये है कोशर सीख तुज। यहाँ पे पार्किंग करने के लिए गाड़ी भी रख सकते हो, लेकिन ये पेड पार्किंग है। बहुत ही टेस्ट होता है इनका बारबेक्यूज का, बहुत ही लजीज होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मटन बारबेक्यूज तैयार हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो बारबेक्यूज तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे मिनरल वाटर भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चटनीज। ये मूली की चटनी है, तो ये दूसरी चटनी है। तो यहाँ वैरायटी होती है चटनीज की, आप देख सकते हो, बहुत ही मजेदार होती है। यहाँ पे है कश्मीरी लवासा और मैं खा रही हूँ चटनी के साथ, और बारबेक्यूज भी है, मटन बारबेक्यूज। ये बाहर का व्यू है, मकाई पार्क से निकलते ही बाहर का व्यू है, तो कितना ही खूबसूरत लग रहा है डल लेक, बहुत ही खूबसूरत। आप यहाँ पे भी खा सकते हो बारबेक्यूज। तो मैं आई हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से आप देख सकते हो मकाई पार्क क्या खूबसूरत लग रही है। रिटर्न में आप देख सकते हो, हम रिटर्न में आ रहे हैं अब, कितना खूबसूरत नजारा है। राइट साइड पे डल लेक। क्या खूबसूरत बादल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा इवनिंग व्यू है। तो प्लीज़ यहाँ पे आइएगा, जब भी आपको टाइम मिले तो यहाँ पे आइएगा ज़रूर। ये जो आप मेरे राइट साइड ट्रैक देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा ट्रैक है जॉगिंग करने के लिए। सुबह या शाम आप जॉगिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा ट्रैक है, तो जॉगिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा है। या आप इवनिंग वॉक भी कर सकते हो, यहाँ पे इवनिंग में मार्केट भी लगता है, बहुत अच्छा मार्केट होता है। यहाँ पे शिकारा राइड भी होती है, वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगी। हाउस बोट्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको अलग से दिखाऊंगी, उसका अलग से इंशाल्लाह वीडियो आएगा।